तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। दोस्तों, आज मंडे है, मार्केट खुल गई है, लेकिन मार्केट में बड़ी प्रॉफिट सेलिंग देखने को मिली है, नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो इसीलिए ही एडवांस टेक्नोलॉजी के स्टॉक में भी आज बड़ी प्रॉफिट की सेलिंग है। ये स्टॉक लोअर सर्किट में फिर लॉक हो गया है 4.50% की गिरावट के साथ। ये स्टॉक की अब जो प्राइस है वो 1.606 रुपीज पर चली गई है। तो आइए इसका डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। नए आए हो दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सारे जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी में स्टॉक के दो कारण है। अब मार्केट सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। दूसरा दोस्तों क्या है, कोई इसका अपडेट नहीं आया है। इसकी रिजल्ट्स कब आएंगे उस पर कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। तो जब तक कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जब तक कोई मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहेंगी, तो इस स्टॉक में इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलता रहेगा। तो इसके सपोर्ट लेवल जरूर आप देख सकते हो कि आने वाले दिनों में क्या क्या सपोर्ट लेवल जो है वो रह सकते हैं और इसमें क्या क्या ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पहले हमने बोला है अभी भी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, पीई मल्टीपल्स हाई है, तो थोड़ी और भी प्रॉफिट सेलिंग की यहाँ पे आपको जो है वो ट्रेंड देखने को मिल सकता है और आरओई परसेंटेज अभी इसकी लो चल रही है। तो टेक्निकली देखें तो वन मंथ में एक ब्यूलिश रिवर्सल भी पहले आया था। इसका जो रेजिस्टेंस जोन है उस पर नोट कर लो, 1.44 के अराउंड इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। जबकि लोअर लेवल पे देखोगे तो एक सपोर्ट भी बन रहा है, 1.20 का एक सपोर्ट था तो जो टूट चुका है, 1.20 का सपोर्ट पहले जो था वो टूट चुका है और अब ये स्टॉक जो है वो 0.90 से लेके और 1.0 ये इसका एक सपोर्ट जो रह सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि बड़ी गिरावट हो रही है। तो ये स्टॉक 0.90 से लेके 1.00 के बीच में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों ये स्टॉक सपोर्ट बना लेगा, क्योंकि आगे नंबर्स कैसे रहेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि यदि इसकी पीई मल्टीपल्स देखें अभी भी, तो पीई मल्टीपल अभी भी थोड़ी हायर एंड पे दिख रही है। तो पीई मल्टीपल का डाटा हम शो कर देते हैं दोस्तों आपको। पीई मल्टीपल जो इसकी है वो 75 की है। जनरली दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री के लिए जो पीई मल्टीपल है वो 10 से लेकर 20 तक सही रहती है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसलिए दोस्तों अभी प्रॉफिट सेलिंग का माहौल इस स्टॉक में रह सकता है, क्योंकि कोई भी अपडेट अभी तक जो है वो नहीं आई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो की मैट्रिक्स है 77 के अराउंड पीई मल्टीपल है। ईपीएस भी लो है, 0.01 का है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली रैंक 85 का है और प्राइस टू बुक रेशियो जरूर इसकी सही है, 0.57 की प्राइस टू बुक रेशियो चल रही है, वो जरूर सही है। लेकिन दोस्तों अब इसकी अर्निंग कैसे आती है, अर्निंग की ग्रोथ कैसे आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस स्टॉक में आप ले सकते हो। शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो जो हमने लेवल बताए हैं 0.90 से लेके 1.00 उस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि अभी लोअर सर्किट लग रहा है तो ये स्टॉक अभी सेल नहीं हो पाएगा। मार्केट सेंटिमेंट टोटली नेगेटिव है, कोई भी अभी इस स्टॉक में बायर नहीं मिल रहा है, सेलर बहुत है लेकिन बायर कोई नहीं है। तो अभी मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, थोड़ा वेट कर लो, वॉच कर लो, जैसे ही कोई अपडेट आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद कोई भी आप जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए नमस्कार।